क्यों सियाई प्रसाद राव बहुत दूर से सफर करके आए हो? क्यों ना यार, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ स्वामी। देखा सर, आप यकीन नहीं कर रहे थे, 10 महाविद्या जानने वाले स्वामी सब जानते हैं। पहले जाकर उस झरने में नहा करके आओ, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है स्वामी। हमारे केरल में पुलिस का बहुत केस पेंडिंग था, मगर स्वामी जी की मदद से बहुत सारे केस सॉल्व हो गए। हमको भी कोई क्लू मिलेगा सर। हाँ, मुझे भी लगता है कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। तुम लोग किसी व्यक्ति के बारे में जानने आए हो, लेकिन जैसा सोचते हो वो कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है, महाशक्ति। उस शक्ति को पकड़ने के लिए तुम्हारी शक्ति काम नहीं आई। उस शक्ति को पकड़ने में थोड़ा समय लग सकता है, वो समय आने तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। Hey, सुनो। टिकट है ना? और पैसे? टिकट और पैसे के बिना ट्रेन में कैसे चढ़ गई? खड़ी हो। पैसे और टिकट नहीं है तो फिर अंदर चलना। मैं तो नारी हूँ ही नहीं, अर्ध नारी हूँ। अच्छा, आ जा। चल। मैडम बताइए कहाँ छोड़ूं? क्या लग रही हो मैडम, मेरे ऑटो में बैठो ना। इनको ऑटो चलाना नहीं आता, आप मेरे ऑटो में बैठिए ना मैडम। अरे हटो ना। अरे मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ यार, ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? ए हीरो, चंदन नगर चलना। पैसेंजर आ गया है, बाद में फोन करता हूँ, रखो अभी। फिर से फोन कर रही है। आप क्या हुआ? पहले ही बताया था ना। तुम इतना शक क्यों करती हो भाई? मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा यकीन करो। तुम पे और यकीन। मैं बोल रहा हूँ, फोन रखो अभी। ऐसे शक करोगी तो एक दिन मर जाऊंगा मैं। क्या? मैं तुम्हें मार रही हूँ? बाद में कॉल करता हूँ ना। अरे सिग्नल नहीं आ रहा है। हलो? फोन रखो। हेलो, हेलो। मेरा फोन क्यों कट किया? हाँ कट किया था तो। क्यों किया? क्यों, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हो? अरे पैसेंजर को लेकर जा रहा हूँ मैं। तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। अरे तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता है? अरे मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है। ए, सिग्नल ग्रीन हो गया, फोन रखो। पुलिस ने देख लिया ना तो फाइन लगा देगा। रखो फोन। AP09P1856 पुलिस के गाड़ी के पीछे एक अनजान आदमी ने बम रखा करके ऐसा मैसेज किया है हमें। इस बात की इन्फॉर्मेशन हम पुलिस तक पहुंचा रहे हैं अपने FM के जरिए। स्टॉप द व्हीकल। गाड़ी के पीछे एक बैग है सर, एक काली कलर का बैकपैक है। बॉम्ब स्क्वाड को जल्दी भेजिए। फेक कॉल है सर, इस बैग में कोई बॉम्ब नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस के गाड़ी में मिले हुए बैग में बॉम्ब नहीं बल्कि 2 कटे हुए सर मिले हैं। उसमें से एक सर रेलवे में TC का है जिनका नाम था तिरुपति। दूसरा सर किसका है? ये जाने कितना के लिए टीवी देखता है, जाकर चाय लेकर आना। हुँ.
ब्रेकिंग न्यूज, वो दूसरा सर टीवी न्यूज चैनल के रिपोर्टर प्रभाकर का है। इन सब हत्याओं की वजह से पूरा शहर सदमे में डूबा हुआ है। सर आप इस सिटी के कमिश्नर हैं, इस हत्या के पीछे किसका हाथ होगा? दूसरे चैनल वालों का इसमें हाथ है, क्या ये सच है सर? सरकार के खिलाफ न्यूज की वजह से ही हत्याएं हो रही हैं, लोगों का कहना है। इसमें कितनी सच्चाई है? अगर ये सच है तो मीडिया वालों की सुरक्षा कहाँ है सर? आप खामोश क्यों हैं सर? मरने वाला कोई आम आदमी नहीं था, टीवी का रिपोर्टर था। कानून की नजर में टीवी चैनल रिपोर्टर हो या कोई आम आदमी, दोनों ही बराबर महत्व रखते हैं और आपको ये जल्द ही पता चल जाएगा। ये खबर मुझे अभी अभी पता चली है। गुनेगार चाहे कोई नेता हो या फिर रिपोर्टर, वो चाहे कहीं भी छुपा बैठा हो, लेकिन वो बचेगा नहीं। Any clues? Yes, sir. Yes, sir. Let me see. Zoom करो. One more. Sir, हमारे पास यही एक clue है. एक हाथ और एक ऑटो. Already ऑटो वाले को बुलाया है सर. सर, मेरा नाम द्वारिका है. सॉरी सर, मैं पिछले 5 सालों से ऑटो चला रहा हूँ सर। तेरे ऑटो में जो था वो क्रिमिनल था, तू उसे कैसे जानता है? मुझे कुछ भी पता नहीं है सर, मैं उसे नहीं जानता सर। अरे मेरी माँ, उधर तुम शक कर रही हो, इधर पुलिस वाले शक कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में हो इस समय, ये लोग शक करने में तुझसे भी आगे हैं भाई। सॉरी सर, उस दिन मैं अपनी बीवी से इसी तरह से बात कर रहा था। वो कहाँ से आई थी कुछ पता नहीं, बोली चंदन नगर। मैंने मीटर डाल के पैसेंजर उठा लिया, लेकिन वो बीच में उतर कर चली गई, बस इतना ही जानता हूँ सर। कैसी दिखती है, क्या उसे पहचान पाएगा? पहचान तो लेता सर, लेकिन बार बार बीबी की फोन की वजह से उसे देख नहीं पाया, पहचान नहीं पाऊंगा सर। मिस्टर सूरी सर, इसके लाइसेंस और पेपर्स लेकर इसे जाने दो। यस सर। सर अगर कागज मेरे पास नहीं रहेगा तो आप ही लोग चालान काटेंगे। काटेंगे, जब तक तू उसे ढूंढ कर नहीं लाता तब तक तेरे पेपर्स नहीं मिलेंगे। सर सर सर, मेरा लाइसेंस दीजिए सर, मेरी रोजी रोटी है सर, प्लीज सर। इतनी खतरनाक हत्या एक औरत ने की, सारा शहर छान मारो और उस औरत को ढूंढो। ए, तेरे ऑटो में दो हैं, उसके ऑटो में दो हैं, दोनों मिलकर सवारी को एक ही ऑटो में लेकर जाओ, उसके आने का टाइम हो गया है। अगर वो आ गई ना। अरे लोग, वो तो आ भी गई। अरे मैं देखा ना, सारी सवारी चली गई उसके पास, तुम लोगों की समझ में कुछ नहीं आता है। जानकी बेबी, मेरे पास कार है लेकिन फिर भी मैं तेरे ऑटो में क्यों चढ़ा पता है? पेट्रोल का रेट बढ़ा है ना। यू नॉटी, तेरी स्मेल मुझे बहुत पसंद है। अच्छी बात है। जानकी बेबी, शाम को आके पिकअप कर लेना। बाय। तू वेट करते रहना बच्चे। ए ऑटो, ए अंदर खिसकना, नंदा बाकी बैठा है। अरे उतर, चल चल। हाँ, चल चल। ए, मेरा नाम अर्धनारी वो है। तो देखते ही पता चलता है। और तुम्हारा नाम क्या है? जानकी। तभी इस ऑटो के पास में मर्द लोग मंडराते रहते हैं। तुम्हारी खूबसूरती देखने के बाद मुझे ऊपर वाले पर गुस्सा आ रहा है, उसने मुझे मर्द क्यों नहीं बनाया। अरे बस कर, इतने दिन मर्द ही छेड़ते थे, अब तू भी शुरू हो गई। मेरी किस्मत, तुझे कहाँ जाना है बोल। ए, बस यही सामने रोको। ये लो। ए रुक, तुझे छुट्टा नहीं चाहिए क्या? रख लू ना। जानकी को फोकट का पैसा नहीं चाहिए, फ्रंट सीट का 40 होता है और बैक सीट का 20। ये ले, चल। चलती हूँ। Thank you.
ए करिश्मा करीना आलिया, क्या हुआ, क्यों ऐसे चिल्ला रही है? अपने ग्रुप में एक नई मेहमान आ रही है। हाँ नमस्कार, कौन है तू? अर्धनारी। हम लोग भी अर्धनारियां हैं। हाँ। नाम बता। अर्धनारी। ओहो, शादी हुई क्या? तो फिर हुआ क्या? क्या कह रहे हैं, वो तो गलत है ना जी। ओ तो तुम अर्धनारियों में पतिव्रता नारी हो। पतिव्रता हो चाहे स्त्रीव्रता हो, चल जा जा, बोरिया बिस्तर उठाकर अपने ग्रुप में शामिल होने आई हो ना, तो हम लोग तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। आजा। हाँ, सही कहा, आजकल हर एक मर्द अपनी पैंट शर्ट उतार के हमारी जैसी साड़ियाँ पहन के हम जैसे ही पैसा कमाने की सोचते हैं, हमारी तो इज्जत ही नहीं रही कोई। रुको रुको, तो अपना निशान क्या है? शाबाश, तुम्हारा भाव, तुम्हारा चलना सब ठीक है, तुम सच में अर्धनारी ही हो। चलो अब आगे की कार्यक्रम की तैयारी करो। देवी अर्धनारी, इस अर्धनारी का तिरक लगा के स्वागत करो। अर्धनारी, इस फूल को देवों पर चढ़ाकर नमस्कार करो। सभी लोग अर्धनारी को आशीर्वाद दो। ए, 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 पुलिस वाला है, पुलिस वाला है, पुलिस। नमस्ते एसआई साहब। नमस्ते। क्या बात है, मुझे देखकर खुश हो रही हो? हाँ, तू तो बड़ा सलमान खान है ना, जो तुझे देख के हम लोग बहुत खुश होंगे। सही बोली दीदी, इसे देखकर तो कुछ होता भी नहीं है। अरे चुप करो, क्या हुआ साहब, यहाँ कैसे, कुछ लेंगे क्या? पूरी बोतल खाली कर दी मगर बिल्कुल नशा नहीं हुआ, लगता नहीं कि मुझे आज चढ़ेगी। क्या हुआ साहब? एक मर्डर केस ने परेशान किया हुआ है, खूनी का कोई क्लू नहीं मिल पा रहा। हम लोग कुछ काम नहीं करते, ऐसे हमारे बड़े ऑफिसर हमको गालियां दे रहे हैं। टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ आकर थोड़ा मसाज करवा कर रिलैक्स होना चाहता हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, हम हैं ना यहाँ आपके साथ, हम आपकी मदद करेंगे। ना ना, मैं तो नहीं करूंगी इसकी मसाज, हम मसाज तो नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? जब भी आता कहता गिफ्ट दूंगा, कभी गिफ्ट दिया ही नहीं इसने। हमारे हाथ दुख जाते लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं रखता ये। अरे क्या ये हर बार वही पुराना, कुछ नया है तो बुलाओ ना। हाँ बुलाओ बुलाओ। हाँ तभी इसे हमारे हाथ का हुनर पता लगेगा। हाँ सही बोली दीदी। अरे बस करो तुम दोनों, अर्धनारी। अर्धनारी, आज इस साहब को तुम्हारे हाथ का चमत्कार दिखाओ, ऐसा जादू करो कि इसे मजा आ जाए। ये तुम रख लो। ये किस लिए? तुमने मुझे खुश कर दिया इसलिए ये टिप। मुझे नहीं चाहिए। अरे रख लो ना। हाँ। नॉटी। ये तुम्हारे हैं, तुम ही रखो। रख लीजिए ना, मेरे जैसे ही कुछ लोगों के मदद के काम में आएंगे। गाना
एक मसाज करके 10,000 कमा लिया इसने, और कितने कमाए होंगे इसने? चलो देखते हैं, पता चल जाएगा ना। कहाँ रखी होगी किसे पता, देखते हैं, यहीं कहीं रखी होगी ना। ये लो यहाँ। अरे हाँ, लाना। अरे तो गहनों का डिब्बा है, खोल ना। कोई तो डिब्बे में गहने छिपाते, कोई पैसे छिपाते, तो बिच्छू छिपा दिए। मुझे एक बीमारी है, मैं सो गई तो कब उठूंगी पता ही नहीं चलता। मुझे गहरी नींद ना आने पाए इसीलिए मैंने इन्हें रखा। किस लिए? ऐसे। इस तरह तुम्हें बिच्छू काटता है, तुम्हें दर्द नहीं होता है क्या? इनका जहर मेरे लिए शहद जैसे है। मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम लोग जाके सो जाओ। कैसे सो जाए, अभी तो हमें भी नींद कहाँ आ रही है। इसका मतलब ये दिन में ही सोती है, रात में नहीं सोती। चलो चलो चलो। हेलो डार्लिंग, कोर्ट से आ रहे हो क्या? हाँ, किसी ने कहा था कि अगर बेल दिलवाएंगे तो पैसा भी दे देगा। पैसे दिखाओ, हमेशा बेल दिलवाते हो, पैसे लेते हो, वो पैसा ले जाकर अपनी बीबी को देते हो, पर क्या एक बार भी पैसा लाकर मेरे हाथ में दिया है क्या? अरे क्या करूँ, मेरी बीवी आजकल डेली न्यूज़पेपर पढ़ती है, कौन से पॉलिटिशियन पर कौन सा केस बुक हुआ है और कौन से बिल में कितना अमाउंट आने वाला है, ये सब कैलकुलेशन वो पहले ही कर लेती है। लेकिन सुनना, कोई भी केस जो उसे बिना बताए डील करूंगा ना, उस अमाउंट से तुझे मैं सेटल कर दूंगा। तुम हमेशा मुझसे ये कहते रहते हो और मैं बेचारी सुनती रहती हूँ। मुझ पे भरोसा तो रखो डार्लिंग। नीचे अर्धनारी आई है ना, उसे ऊपर भेज दो। कौन है? मेरे लिए केस की डील करने वाले थे ना, तो वो केस मैं ही दे रही हूँ। नमस्ते साहब। क्या है तुम्हारा केस? वो मंत्री नरेंद्र जी है ना, एयरपोर्ट के पास उनकी बहुत सारी जमीनें हैं, उसमें से 3 एकड़ जमीन उन्होंने मुझे बेचा था, लेकिन अब क्या कहा मंत्री नरेंद्र, उसने आज तक किसी को एक पैसा नहीं दिया और तू कह रही कि 1 एकड़ की जमीन तेरे नाम कर दी है? झूठी कहानी इसे सुना, मुझे नहीं समझे क्या? नहीं साहब, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, देखिए ना। मैं आपको तो तू मुझे डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए कह रही है? ओहो साहब, लगता है आपको पता नहीं है, हम जैसे अर्धनारियों के हाथों मसाज करवाने की आदत है उनको। मेरे हाथों जब तक वो मसाज नहीं करवा लेते नींद नहीं आती उनको। एक दिन सुबह सुबह की बात है, मुझसे कहने लगे कि मैंने सबके लिए कुछ न कुछ किया है, तू मेरी इतने सालों से सेवा कर रही है तो मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। फिर वो 3 एकड़ जमीन मेरे नाम रजिस्टर्ड पेपर पर लिख कर कर दी। बहुत महान है वो, लेकिन उनके पास एक आदमी काम करता है, बहुत कमीना है वो, एल्लैया नाम है साहब। वो मुझे कमजोर समझ के अक्सर धमकी देता रहता है, कहता है कि 2 लाख ले ले, वो जमीन मेरे नाम कर दे। बताइए मैं क्या करूं साहब, 1 एकड़ का पैसा मुझे दिलवा दो और बाकी 2 एकड़ का आप ले लो, आपके नाम की पूजा करूंगी मैं। ठीक है, कल कोर्ट खत्म होने के बाद मैं खुद साइट जाके चेक करूंगा, फिर काम की बात करेंगे। बड़ी मेहरबानी साहब। मैम साहब, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उठो अर्धनारी, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी, अब तुम जाओ। अच्छी बात है मैम साहब। अब तो कुछ बोलिए सर, मेरे पति मिलेंगे या नहीं, वो जिंदा है या नहीं? सर, मेरे पति के गायब हुए कितने दिन हो गए, आप कुछ ना कुछ बहाना करके मुझे रोज वापस भेज देते हैं, प्रेस में जाने के लिए मना करते हैं, मीडिया में जाती हो तो बोलते हैं तुम्हारे पति की जान खतरे में है, मत जाओ। मेरे पति का क्या हुआ सर, कहाँ चले गए वो मुझे छोड़ के, बोलिए ना सर। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, आपका पति मिल जाएगा, वो पुलिस वाला है, हमारे डिपार्टमेंट का है, बस कुछ दिन सब्र रखिए।
नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। अर्धनारी, ये साइट तो नरेंद्र की ही है। इतनी कॉस्टली साइट उसने तुम्हें कैसे दे दी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सच बताओ, तुम्हारी मसाज में वाकई उतना दम है क्या? बहुत मस्त करती हूँ साहब। ऐसा है तो पहले तुम्हारे हाथों से थोड़ी मसाज हो जाए, उसके बाद तुम्हारी साइट के बारे में सोचते हैं। आइए ना। हेलो, कहाँ हो तुम? मेरी लाइफ सेटल होने वाली है। नरेंद्र सही था, तुम्हारे हाथों में वाकई जादू है। अरे मैं बताने वाली थी, तुम ही नहीं थी। अर्धनारी, सर इतनी जल्दी सो गए? हाँ मैम साहब। लगता है तुम्हारा मसाज वाकई में अच्छा है। ठीक है, उन्हें रेस्ट करने दो, मैं ड्राइव करती हूँ। ऑटो स्टैंड पर खड़ा हूँ, पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। ऊपर से तू अलग टेंशन देती रहती है। मन तो यही कर रहा है ट्रेन के नीचे जाके कट जाऊँ। पुलिस वाले भी अजीब सवाल पूछते हैं। आदमी चढ़ा है, बुड्ढा चढ़ा है, बूढ़ी चढ़ी है, बच्चा चढ़ा है, औरत चढ़ी है, अब मेरे पास यही रह गया देखने के लिए। और ऊपर से तुम्हारा फोन आता रहता है, काम के समय फोन मत किया करो। अरे जब देखो पीछे पड़ी रहती है, लगता है दूसरी शादी करनी पड़ेगी। क्या परेशानी है? शमशान भूमि चले हुए क्या? बहुत सही जगह जा रहे, बैठो। अच्छा चल तू भी बैठ। सिटी में एक और मिसिंग केस हुआ है। बड़े बड़े केस जीतने वाले हाई कोर्ट के लॉयर विजय कुमार पिछले दो दिनों से लापता हैं। इंक्वायरी से पता चला है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेकेशन पर या फिर किसी काम के सिलसिले में बाहर जाने वाले थे। जो कुछ भी हो, लेकिन एक वकील का मिसिंग केस पुलिस के लिए। अर्धनारी उठ गई क्या? पता है तुम पूरे दो दिन से सो रही थी। अगर हम तब सही वक्त पे नहीं पहुंचते ना, तो तुम किसी लॉरी या बस के नीचे आके मर गई होती। सही बोला दीदी तुमने। क्या नसीब है इसके, क्या कहती हो दीदी? हाँ सही कह रहे। क्या हुआ इसे, बिना बोले कहाँ जा रही है? क्या करना है, छोड़ो तुम।
अरे आओ देखते हैं, चलो चलो जल्दी देखते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन सही है, इस मर्डर के पीछे पुलिस का हाथ है और सबूत भी सामने है। ट्रैफिक स्टेशन में बॉडी है तो इसका मतलब पुलिस वालों से इस मर्डर का कोई ना कोई संबंध होगा। कमिश्नर की गाड़ी आ गई, चलो 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 जल्दी चलो। सर आपके पुलिस स्टेशन में कार के अंदर एक बॉडी मिली, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज बताइए। सर जज के मर्डर केस में क्या आपको लगता है पुलिस का संबंध है? आप क्या जवाब देना चाहेंगे सर बताइए। सर सुनो, इस जज के मर्डर से पुलिस का कोई संबंध नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है और ये इसलिए किया गया है ताकि वो लोग पुलिस को फंसा सके। अगर नो पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी है तो रूल्स के हिसाब से उसे ट्रैफिक पुलिस वहां से ले आते हैं। प्लीज इस बात को ज्यादा बड़ा मत बनाइए, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, बहुत जल्द हम खूनी को पकड़ लेंगे। अभी मिली ताजा खबर के अनुसार गुनहगार ने ये मर्डर करते समय पूरे घटना कभी लड़की नहीं देखी क्या? ये भी खुद को लड़की समझती है। उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया है, चलिए हम आपको दिखाते हैं उस मर्डर का वीडियो। ए, ये चाय लेके जा। ब्रेकिंग न्यूज, स्पेशल बुलेटिन फॉर सीएम। हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें स्पेशल फ्लैट से ट्रीटमेंट के लिए विदेश ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के करीबी परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री MS धर्मा मुख्यमंत्री जी को सही सलामत इस राज्य में लौट आने के लिए सर्व धर्म की पूजा पाठ करवा रहे हैं। अरे सुनो रे, सीएम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है तो इस वक्त मेरे नए सीएम बनने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। हाँ तो टेक्नोलॉजिकली उसके लिए मेरी ग्रह स्थिति मेरी तरफ है या नहीं, मुझे ये फौरन जानना है। ए अर्जेंटली एस्ट्रोलॉजी टेक्नोलॉजी को फौरन बुला के ला। सुनो शास्त्री जी, चाहे ग्रहों की स्थिति बदले या फिर तारे और नक्षत्र अपना रास्ता बदल ले, ये क्या टेक्नोलॉजी मुझे नहीं पता। मुझे सीएम बनना है, उसके लिए मुझे क्या टेक्नोलॉजी करनी है मुझे ये बताओ। जजमान, आपकी कुंडली का चक्र सीएम की कुंडली का चक्र घुमाने वाला है। होगा यही अगर क्या बोल रहे हो, बताओ क्या टेक्नोलॉजी है। आपका राहु ग्रह रास्ता बदलकर बहुत गलत रास्ते पर जाने लगा है, इसके लिए आपको शांति पाठ करवाना होगा। शांति? तो फिर देर किस बात की, उसे बुलाओ, पूजा करवा के भिजवा देंगे। जजमान ठीक से ध्यान दें, औरत आदमी के बीच जिनका जन्म होता है ऐसी अर्धनारीश्वर को बुलाकर अगर उनकी पूजा की जाए और उसके मन में जो जो भी इच्छा है उसकी इच्छा को पूरी की जाए तो आपका सीएम पोस्ट पक्का है। अरे 10 क्या 100 लड़के मिल जाएंगे आसानी से, लेकिन ऐसी हाफ टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी कहाँ से जरा ये तो बता दो। आप परेशान मत होइए सर, मेरे लिए ये एक मामूली सा मैटर है। लगता है तुम्हारा उनसे काफी मेल जोल है। मतलब उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे पास ही आते हैं सर, उनको कहाँ बुलाना है मुझे बता दीजिए, मैं बुला दूंगा। अरे अरे कितना अच्छा बन रहा है। मिनिस्टर साहब ने हम लोगों को कितने प्यार से बुलाया है, हमें उन्हें प्यार देना चाहिए। अरे सुन री, एक चुम्मा तो दे दे। शास्त्री जी, इनकी बॉडी टेक्नोलॉजी देख के मुझे कुछ कुछ हो रहा है। वो सब सोचेंगे तो असली काम से भटक जाएंगे। जवान सारे अर्धनारीश्वर अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, चलो जाओ जाओ। अरे पंडित की बात तो सुनो।
बताओ ना तुम्हारी क्या इच्छा है। मुझे फिल्म स्टार प्रयास बहुत पसंद है, एक बार मिलवा दो ना उनसे। हाँ प्लीज। ये कैसे होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जहाँ उसकी शूटिंग चल रही है ना वहाँ मेरे आदमी तुम्हें ले जाएंगे, बाकी तुम खुद संभाल लेना। मेरे लिए इतना ही काफी है, तू बनेगा CM। बताइए ना आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए बोलिए, ऐसे शर्मा क्यों रही हैं? अरे क्या चाहिए बोलिए तो। अरे पूछ रहे हैं बोलो, तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। दे देंगे ना पक्का? हाँ हाँ, इससे मेरी शादी करवा दीजिए। हाँ? अरे ये कैसी टेक्नोलॉजी, तुम मेरे बेटे से शादी करोगे? हाँ ससुर जी। तुम अभी से मुझे ससुर जी क्यों बोल रहे हो, क्या सब कुछ फिक्स हो गया है? CM नहीं बनना। हाँ, क्या बनना बनना, इससे शादी करवा दो ना। तो फिर ऐसा ही होगा, मैं करता हूँ टेक्नोलॉजी फिक्स। पापा आपकी कुर्सी के लिए आप तो संसार के सारे नियम तोड़ दोगे। क्या ससुर जी क्या बोल रही है? मेरा दुश्मन कहीं और नहीं, मेरे घर के अंदर ही मौजूद है। मेरा अपना बेटा नहीं चाहता कि मैं CM बन जाऊं। देखो बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी CM बन जाएंगे तो तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। आखिर ये तुमसे सिर्फ शादी ही तो करना चाहती है बेटा, क्यों अपने पिता के लिए इतना त्याग नहीं कर सकते क्या? तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? अर्धनारी, तुम हमारे समाज का नाम बदनाम कर रही हो। उसने प्यार से बात क्या कर दी, तुम तो उसके सर पे चढ़ गई। तुमने तो उसके बेटे पर ही नजर डाल दी। सुनो, तुम मेरे लिए अपनी इच्छा बदल दो। ठीक है, बदल दी इच्छा। अब शादी नहीं होगी? ठीक है शादी ना करे, लेकिन मेरी एक इच्छा तो पूरी करेगा। वो ना? क्या? बस एक रात मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। पापा क्या बेटा, अर्धनारीश्वर ने तुम्हारी बात रखते हुए अपना फैसला बदल लिया है ना। अरे एक रात के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता है क्या? तू बता, तू अपने बाप को CM के रूप में देखना चाहता है या नहीं? अगर तू सच में मेरा बेटा है ना, तो तुझे इस अर्धनारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। डार्लिंग, अरे ऐसी हसीन रात बार बार कहाँ आने वाली है? नहीं, बड़ा मजा आएगा आज। अरे राजा खेल ना मेरे साथ, आ जा। इतना शर्मा क्यों? अरे ठीक है शुरुआत में ही करती हूँ। अरे अब तो मान जा मेरे राजा। बिंदी नहीं मिटी, बाल नहीं बिगड़े, कपड़े खराब नहीं हुए हैं? अभी अभी तो तुम अंदर गई थी और इतनी जल्दी तुम वापस आ गई। मेरे पास भी दिल है साहब, जो मुझे पसंद नहीं करता मैं उसके साथ नहीं रहती, इसीलिए मैंने अपना फैसला बदल लिया है। आप तो CM बन के रहोगे और टाइम अच्छा रहा तो PM भी बन सकते हो। शाबाश अर्धनारी। सच में तुम बहुत महान हो अर्धनारी, तुम मेरी थैंकफुल टेक्नोलॉजी निकली। अगर तुम अगले जन्म में औरत बनी ना, तो तुम्हारी इच्छा पूरी करके मैं एहसान चुका दूंगा। कैसी बात करते हो साहब। सच में उस अर्धनारी का दिल कितना बड़ा है शास्त्री जी, मुझे PM बनने का आशीर्वाद दे के गई है। तो बताओ अब आगे की टेक्नोलॉजी क्या है? अरे सारी इच्छा तो पूरी कर चुके हैं, अब बाकी क्या रहेगा? सुरा शरबत और नृत्य। इनको देख के पता लग रहा है कि इतनी जल्दी उठने वाले नहीं है। अगर ये बात लीक हो गई ना तो मीडिया वाले इस बात को उछाल देंगे। इमीडिएटली कोई टेक्नोलॉजी करके इन्हें वैन में बिठा के ले जा। ठीक है सर। अपने परिवार को बचाने के लिए तुमने मेरी मदद की है, अब अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस बात को यहीं भूल जाना। अर्धनारी को भूलना मत। चलती हूँ। देखो हमारा जन्म गलत है लेकिन हमारी बुद्धि नहीं।
ये अर्धनारी आपके बेटे को पसंद करती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने आपके बेटे को उठा लिया। मुझे पता है कि प्यार से पूछेंगे तो तुम नहीं बताने वाले। इनको अंदर डाल के थर्ड डिग्री यूज करो, देखना कितनी जल्दी सच बाहर निकल के आ जाएगा। यूज फोर्स टेक्नोलॉजी। ओ साहब, तुम हम सबको अंदर डाल के हमसे क्या निकाल पाओगे? मैंने तो पहले ही कहा था कि जो हमें नहीं समझते हम उन्हें दिल नहीं देते, फिर भी हमारे पीछे पड़े हो। कहाँ छुपाया है? यहाँ छुपाया है, अंदर छुपाया है क्या? अरे तुम हम सबको इस तरीके से बार बार डराने की कोशिश करोगे तो हम भी डरने वाले बच्चे नहीं है, हम भी वोट देते हैं। अरे बताना इसको। इस तरह आधी रात को हमें सीक्रेट जगह बुलाकर, हमारी पूजा करके, हमें खूब इज्जत देके, हार पहना के जब हमारे साथ डांस किया था, तभी मैं समझ गई थी कि तुम सब धोखेबाज हो। हाँ, इसीलिए उस दिन वहाँ जो जो हुआ था ना, उसे हमने रिकॉर्ड कर लिया है राजा। अरे हमारी भी यूनियन है, अगर तुमने मैटर को मनमाने ढंग से मीडिया में दिया तो हम लोग तो खाली नाम के लिए बदनाम है। असली अर्धनारी फिर तुम्हें बना देंगे, उसके बाद बनना तुम सीएम। अरे बताना इसे। ए, बहुत ज्यादा बोल रही है तू क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों टेक्नोलॉजी खराब कर रहे हो? इधर आओ। एक बार पहले ये टेक्नोलॉजी मेरी हालत खराब कर चुकी है। बेटे का क्या है, एक और शादी कर लूंगा तो एक और बेटा हो जाएगा। लेकिन एक बार इज्जत और कुर्सी चली गई ना, तो उसे वापस लाने में बहुत बड़ी रिस्क टेक्नोलॉजी है। इस केस को तुम अभी के अभी बंद कर दो। सभी सुनिए, आप लोगों को जबरदस्ती यहाँ पुलिस स्टेशन में बुलवाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप सभी लोग यहाँ से जा सकती हैं। अरे लाली 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 लाली, प्यारे से बच्चे को वर देने वाली लाली, राजी नेत्रों से रत्नों की लाली, प्यारे कृष्ण पे सजी सोजा अब प्यारी लाली। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो देखो, ऐसा मत करो, लग जाएगा वो, लग जाएगा, लग जाएगा। देखो देखो देखो, क्या 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 उसे किसी भी पल पकड़ लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए सर। या डेफिनेटली डेफिनेटली सर। सर क्या हुआ सर? चार दिन कहा था और एक सप्ताह हो गया, अब तक मेरे पति को नहीं ढूंढ पाए आप? प्लीज, नए मुख्यमंत्री की मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही है, मैं आपके साथ बाद में बात करूंगा, वेट कीजिए। ओके सर, वेट करूंगी, मगर आप मेरी चूड़ियां पहन लीजिए और अपना यूनिफॉर्म मुझे दे दीजिए। यस सर, मैं चूड़ियां निकाल कर देती हूँ, आप यूनिफॉर्म निकाल के दे दीजिए, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने पति को। अगर आप लोग एक पुलिस ऑफिसर को नहीं बचा पाए तो आम जनता को क्या बचाएंगे सर? आप लापता हुए अपने कलीग को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो देशद्रोही और चोरों को कैसे पकड़ेंगे सर? ये लीजिए चूड़ियां पहन लीजिए, चूड़ियां पहन लीजिए सर। ये सब कौन है पता है आपको? आपके खोए हुए पति का पुलिस परिवार, गवर्नमेंट अधिकारियों का परिवार है। ये मैडम कौन है पता है? हमारे मुख्यमंत्री जी की पत्नी है ये। यस, आप सोच रही होंगी कि उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उन्हें कहीं ले गया होगा, किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को किसी ने किडनैप किया है। ये बात अगर लोगों को पता चली तो लोगों का गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठ जाएगा, इसीलिए इसे डिस्क्लोज नहीं किया। अब पता चला हमें कितनी टेंशन है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे सीएम साहब को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है, सीएम सर का किडनैप हुआ है। सिर्फ सीएम का ही नहीं, बहुत सारे पुलिस वाले, सरकारी नौकरी करने वाले सबका किडनैप हुआ है, उन लोगों में मेरा पति भी है। इन सब बातों को छुपाकर हम सब लोगों को धोखा देने वाला पुलिस वाला है, पुलिस वाला। शिट,
मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करिए प्लीज, मेरे पति को बचाइए प्लीज। अरे ओ मुख्यमंत्री, आज की ब्रेकिंग न्यूज तुझे पता है क्या? तेरी किडनैपिंग। सुनने में बड़ा थ्रिलिंग और मजेदार लग रहा है ना? मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा, हमेशा जनता के लिए ही सोचा। मुझे जाके लोगों की सेवा करनी है, मेरे बिना वो लोग अनाथ हो जाएंगे। कृपा करके मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें जनता की सेवा करनी है ना, हेल्दी रहना है, इसीलिए ये घास लाई हूँ, लो खाओ। अरे खाना, अरे खाना राजा, देखना कितनी हरी हरी घास है। नहीं खाएगा, चल खा। आए हाय, खाते समय बकरा दिख रहा है। खाऊंगा, पूरी घास खाऊंगा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें एमएलए का पद चाहिए, एमपी का पद चाहिए या मिनिस्टर का पद चाहिए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज, आखिर तुम्हें क्या चाहिए बोलो। भूल जा, तू मुझे नहीं खरीद पाएगा, अभी तू आराम कर, मैं चलती हूँ। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, मैं एक सीएम हूँ। और मैं अर्धनारी हूँ। वहाँ सारा राज्य परेशान है, वहाँ की जनता परेशान है, और आप है कि अभी तक कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं। बताने की बात तो छोड़ो, अभी तक आपने कोई क्लू भी नहीं दिया है। एक के बाद एक हत्याएं करके हमें डराना चाहता है। आपसे होगा या नहीं बताइए स्वामी, बताइए स्वामी, बताइए। प्रमोशन के लिए गलत रास्ता, कर्तव्य से ज्यादा रिश्वत का लालच, राजनीतिज्ञों का गलत लोगों से संबंध, गलत सबूत पेश करके केस को मिटा देना। अगर तुम्हारी कुंडली मैंने बता दी तो उस शक्ति के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता क्या? वो शक्ति माथे पर सिंदूर लगाकर, हाथों में चूड़ियां पहनकर, कलाई में अर्धनारीश्वर का चिन्ह बनाकर, एक देवी का क्रोध अपने दिल में लिए, ना मर्द और ना औरत, अर्धनारीश्वर रूप में है वो। ये क्लू बस है स्वामी जी, हम जाके उसे पकड़ लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम लोग अभी गए तो वो शक्ति तुम लोगों का अंत कर देगी। अब से 4 दिनों के बाद जाना, वो शक्ति तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सके, इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पे रोका था। कोई दिक्कत नहीं है स्वामी जी, इस क्लू की वजह से हम उसे पकड़ ही लेंगे। वो कहीं भी रहे हम उसे पकड़ लेंगे। हम चलते हैं स्वामी जी, हम चलते हैं स्वामी जी। अब शहर में आ ही गए हैं। इस केस की जानकारी हमें मिल चुकी है, हम बहुत खुश हैं। इस केस के सिलसिले में घर का रास्ता ही भूल गया हूँ, काफी दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया, बस टोल प्लाजा पे हैं। हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ। राज्य में मर्डर्स करने वाले, पुलिस और जनता को परेशान करने वाले सीरियल किलर की जानकारी देने वाले को पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इस मिले हुए क्लू का जल्दी से स्केच तैयार करो। जी सर। कांस्टेबल एक चाय लाना। सर। चाय कैसी है सर? अच्छी है। मेरे टी स्टॉल पे भी सभी यही कहते हैं सर। सॉरी सर, आपसे मिलने के लिए यूनिफॉर्म पहनना पड़ा। आप जिस खूनी को ढूंढ रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास है सर। प्राइज मैंने बोलने के बाद देंगे या पहले देंगे सर? बोलिए ना सर, मेरे मन में जो भी बात है मैं रोक नहीं पा रहा हूँ सर। मिल जाएगा तुम्हें, बताओ। जब भी शहर में मर्डर होता है तो मेरी चाय की दुकान में आता है और टीवी में न्यूज देखता है और पागलों की तरह हंसता है। मुझे पूरा यकीन है सर, शहर में जितने मर्डर हो रहे हैं यही कर रहा है। अच्छा, वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है? वो पैंट पहनने वाला मर्द नहीं, चूड़िया पहनने वाली औरत नहीं, वो अलग है सर, बिल्कुल अलग है। अच्छा। मुझे बिरयानी की दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए सर, आप खूनी को पकड़ो और मुझे पैसे दे दो। शंकर बिरयानी सेंटर, कैसा नाम है सर, ओपनिंग के लिए आना पड़ेगा सर।
जान ले लूंगा तेरी। तूने पुलिस को समझा क्या है? कल वो औरत बोल रही थी चूड़ियां पहन लो, आज तू कह रहा है कि एक हिजड़े ने ये मर्डर किया है। इस मर्डर केस को लेके हम सब टेंशन में है और तुझे कॉमेडी सूझ रही है? हमें क्या समझ रखा है? हमारे साथ मजाक करेगा? हमारे साथ मजाक करेगा? देखा हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का क्या हाल हो रहा है? अगर मैंने उस मर्डर को एक हफ्ते में नहीं पकड़ा तो मैं अपनी खुद की गन लेके खुद को शूट कर दूंगा। हाँ, सारा खेल खत्म। सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वरप्रसाद जी की मदर आई हैं। वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। भेजो उसे। नमस्ते सर। आइए माँ जी, बैठिए, बताइए। दो दिन पहले ही मेरे बेटे ने फोन करके मैं घर आ रहा हूँ कहा था। वो आधे घंटे में पहुंचने वाला था लेकिन अब तक नहीं आया सर। नहीं आया होगा, अगर आता तो मुझे डेफिनेटली इन्फॉर्म करता। नहीं सर, वो आया है। वो बहुत खुश था इसलिए उसने मुझे पसंदीदा खाना बनाने को कहा। इतना ही नहीं, उसने मुझे उसकी पसंदीदा बैंगन की सब्जी बनाकर रखो ऐसा SMS भी किया था। मैं टोल प्लाजा तक पहुंच गया हूँ ऐसा भी कहा था। मिस्टर सूरी। सर। माँ जी कह रही हैं कि वो लोग टोल प्लाजा के चौराहे तक आए हैं और वो लोग व्हाइट कलर की सूमो में है। जरा CCTV चेक करो तो। ओके सर। माँ जी ने सच कहा है सर, जो व्हीकल सिटी में एंटर हुआ है वो व्हीकल हमारा ही है सर। एलबी नगर सिग्नल टाइम 10:40, दिलसुख नगर सिग्नल 10:50, नेक्स्ट मलाकपेट। सर, गाड़ी यहीं से गायब हुई है सर। What? Yes सर, मलकपेट सिग्नल से दो रास्ते हैं, लेफ्ट टू राइट। इन दोनों रास्तों से अपना व्हीकल नहीं गया सर। कॉन्स्टेबल्स सर, वहां खोदना शुरू करो। मिसिंग केस का नाम इसके ऊपर लिखा है। गॉड। अरे यार मौसम कितना देर करेगा। सब तरफ छाया हुआ है ये साइको किलर और पुलिस बुरी तरह से परेशान है। बहुत से पुलिस वालों की हत्या करके उन्हें बीच रास्ते में दफना देना ये एक सनसनीखेज मामला है। उसने सबको डरा रखा है। उसकी हत्याओं का कब अंत होगा ये कोई नहीं जानता। उसने इस राज्य की जनता और पुलिस वालों की नींद हराम करके रखी है। आखिर ये खूनी कौन है और कैसा दिखता है कोई नहीं जानता। हेलो। इस वक्त सिटी का सीरियल किलर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सवाल बना हुआ है। उस खूनी के सारे डिटेल्स मेरे पास हैं। लेकिन अगर मैंने बता दिया तो मेरा क्या होगा सर? डर तो रही हूँ फिर भी आपको बताना चाहती हूँ। डरने की जरूरत नहीं, तुम कहाँ हो बोलो? टोल प्लाजा के चौराहे पे सर। ओके, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। जल्दी आइए सर। ईश्वर, टोल प्लाजा पे चलो।
इतने लोगों को इतने बुरे तरीके से मारा है, है कौन वो? साइको है या टेररिस्ट? जो भी गायब होता है हमें उसकी लाश मिलती है। कहीं उसने सीएम सर को तो नहीं? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सर, जहाँ पर बॉडी मिली वो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था सर। ऐसा है तो उस रोड के कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ। सॉरी सर, उस कॉन्ट्रैक्टर की बॉडी भी उसी में है। ओह नो, कॉन्ट्रैक्टर को भी मार दिया। लेकिन सर, उस रोड बनाने वाले मिस्त्री को मैंने बुलाया है। नमस्ते, नमस्ते सर। वो मर्डर्स किसने किए? हमें नहीं पता सर। सच सच बताओ, वो रोड तुम ही ने बनाया था ना? हाँ, हमें ने बनाया सर। रोड तुमने बनाया तो मर्डर भी तुमने ही किया होगा। उस दिन रात को रोड बनाते वक्त सर वो, अरे ओ राजा लोग, हाँ? मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो। देखो गलत मत सोचो, दरअसल बात ये है, तुम लोग इतने सालों से रोड का काम कितनी मेहनत से कर रहे हो, न कभी दिन देखते हो न रात, पर तुम्हें कभी कोई बियर या बिरयानी नहीं खिलाता। अरे कम से कम मिठाई तो दे सकते थे ना। हाँ, सही, सही, हाँ, फिर भी तुम लोग जनता की भलाई के लिए काम करते हो। अरे तुम लोगों की मेहनत की वजह से वो आराम करते हैं, इसीलिए मैं अपनी मेहनत की कमाई के पैसों से तुम लोगों के लिए बियर और बिरयानी लाई हूँ। सर ये काम किसी और का नहीं बल्कि उस अर्धनारी का हो सकता है। तो ये एक हिजड़े का काम है। सर वो पैंट पहनने वाला मर्द नहीं, चूड़िया पहनने वाली औरत नहीं, बहुत अलग है, बहुत अलग है सर वो। ये लो। डर गई क्या? सर्कस वालों को बकरे की मुंडी की जरूरत थी, वही लेकर जा रही हूँ। तुम डरो मत, तुम्हारे फेस को ये सूट नहीं करता। सर यही उसका घर है पर ताला लगा है। अरे भाई ये सारे लोग कहाँ चले गए? सब लोग काली पूजा में गए।
वहां देखो वो है। ए, रुक ए, रुक अर्धनारी, क्या हुआ? अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है, मुझे अपने घर ले चलो ना। अर्धनारी उतरो। क्यों, गलत जगह आ गई सोच रही हो? दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। जानकी बेबी? नो, अनुराधा फ्रॉम क्राइम ब्रांच। ये मर्डर करने वाला व्यक्ति ऑटो का ज्यादा इस्तेमाल करता है, इसलिए ये ऑटो स्क्वाड ऑपरेशन स्टार्ट किया। तुम पर मेरा शक सही साबित हुआ। अपना मुंह खोलेगी या नहीं? जवाब दे मुझे, सच सच बता, कौन है तू? तेरा उन लोगों के साथ क्या संबंध था? बोल, जल्दी बोल। बहुत हंसी आ रही है, तुझे क्या लगा तू मुंह नहीं खोलेगी तो तेरा मुंह नहीं खुलवा पाएंगे? बोल, जल्दी मुंह खोल। अनुराधा सर। हाँ। सर मैंने रिजल्ट। नो सर, इतना मारने के बाद भी इसने मुंह नहीं खोला, बहुत चर्बी है। प्रोसी, तुमने इतने सारे लोगों को इतने खतरनाक तरीके से क्यों मारा? नहीं पता। बिना किसी वजह के आखिर तुमने इतने लोगों को मारा क्यों? नहीं पता। देखो, कोई भी बिना किसी वजह के ऐसा काम नहीं करता है। तुम्हें वो वजह यहाँ सबके सामने बतानी होगी। तुम लोगों की काम की कोई वजह हो सकती है, लेकिन मैं जो करती हूँ उसकी कोई वजह नहीं। होगी? नहीं है। जरूर होगी, कोई तो वजह होगी ही।
मन कर रहा है तुम्हारा गला दबाकर तुझे मार डालूं। उसकी कोई वजह है क्या? इसी तरह मेरे इमोशंस की कोई वजह नहीं है। ले जा, चल, चल, लेकर जाओ इसे। चल, इससे बड़ा साइकिक और कौन हो सकता है? इससे बड़ा साइको मैंने आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इट्स रिडिकुलस। जब इससे हत्याओं की वजह पूछी तो इसने कहा कोई वजह ही नहीं है। ऐसे शख्स के लिए कोई भी इंक्वायरी या आर्ग्यूमेंट्स जरूरी नहीं है। ये आदमी समाज के लिए खतरा है। ऐसे आदमी को सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। राजा लो, जरा तुम सब हटोगे, मुझे कपड़े धोने हैं। ए, तुम क्यों तकलीफ करती हो? मैं हूं ना धोने के लिए। अरे मेरी बात सुनो ना, सब लोग मिलकर क्यों नहीं धोते? हाँ ठीक है। हाँ। लाओ लाओ इधर। राजा आज यहाँ किस लिए? तुम्हारे लिए। चलो देखो, एक बात सुनो, तुमने जो भी मर्डर्स किए हैं उसके बारे में नहीं जानना। तुम्हें दूध चाहिए दूध पिलाऊंगा, बिरयानी चाहिए बिरयानी खिलाऊंगा, सब दूंगा। लेकिन एक बात बता दो मुझे, हमारे पुलिस की आंखों में धूल झोंक के जेड सिक्योरिटी रहने वाले सीएम को कैसे किडनैप किया? प्लीज। वैसे भी दो दिनों में तुम्हें फांसी लगने वाली है, मरने से पहले बस इतना बता दो। बोल, तुझे जो चाहिए मैं दूंगी। सच कह रहे हो ना? सच में। पहले मुझे एक चुम्मी दो। चुम्मी? राजा तुम जेम्स बॉन्ड जैसे दिखते हो, इसीलिए मुझे तुमसे इंग्लिश वाली चुम्मी चाहिए। सर, ये नहीं बोलेगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलेगी। चुम्मी नहीं दिए तो नहीं बताऊंगी। अनजान रहने से अच्छा दे देना ही बेटर है। हाँ? रहने दो राजा, कहीं तुम भी मुझे गलत ना समझो। वैसे तुम्हारी सिंसियरिटी मुझे अच्छी लगी, बता देती हूँ। मुझे पता लगा कि तुम्हारा सीएम शमशाबाद में बिना किसी सिक्योरिटी के अकेले आने वाला है। मैं वहाँ पहुँच गई। सीएम जहाँ आने वाला था वहीं बगल में ही एक नर्सरी है, और उसी नर्सरी में मैं काम करने लगी। क्या हुआ राजा, कहाँ खो गए? मगर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे ओ पुलिस राजा, इंट्रोगेशन कर रहे हो कि अपनी चालाकी दिखा रहे हो? वो तो नहीं बताऊंगी ना। अरे वो बात नहीं है सर, मैटर बता दिया है ना, चलिए चलते हैं। एक मिनट। चलिए सर प्लीज। चलो। अरे ओ पुलिस राजा, ज्यादा सोच के अपना दिमाग खराब मत कर लेना। हाँ सर, आए हैं, बाहर आओ। क्या हुआ राजा, इतनी बार आ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो? अरे संभल के रहना राजा, यहाँ के कैदी लोग
कहीं ये ना कहने लगे कि मेरा तुम्हारा टांका भेड़ा है। तुम्हें दो दिन में फांसी होने वाली है, कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, पूरी हो जाएगी। तो फिर सुनो, बगल के स्टेट की 8 करोड़ जनता और इस स्टेट की 5 करोड़ यानी पूरे 13 करोड़ जनता के साथ मैं बात करना चाहती हूँ। बात करवा दोगे क्या? और मेरे एक प्यारे नेता जी हैं, वो परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री MS धर्मा जी, मैं उनकी फैन हूँ। उनकी फिजिक और हाइट क्या मस्त है, मैं उनसे भी एक बार मिलकर बात करना चाहती हूँ, ये हो सकेगा क्या? सर, ये अर्धनारी की फाइल है, उसकी आखिरी इच्छा है कि वो हमारे और बगल वाले स्टेट के 13 करोड़ लोगों से बात करेगी। ये तो इम्पॉसिबल है, लाइए। सर, आप बिना पढ़े साइन कैसे कर सकते हैं? उसकी मांग ये है कि वो 13 करोड़ जनता के सामने बात करना चाहती है, वो मौका हम उसे दे देंगे। सभी चैनल्स को इन्फॉर्म कर दीजिए और सारी जनता को इसकी सूचना दे दीजिए। देखने वाला देखेगा, सुनने वाला सुनेगा, जिसका मन नहीं वो छोड़ देगा, दैट्स ऑल। फांसी से पहले सीरियल किलर की अंतिम इच्छा है जनता से बात करने की, और जिसकी गवर्नर ने परमिशन भी दे दी है, लेकिन इससे सभी पार्टियां गुस्से में हैं। लेकिन जनता इस बात को लेकर काफी उत्साहित है कि अर्धनारी जनता से क्या बात करना चाहती है उसे फांसी लगने से पहले। सिर्फ ये राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को इस बात का इंतजार है कि वो कहना क्या चाहती है। अभी थोड़ी देर में ही सब पता चल जाएगा। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी आखिरी इच्छा को पूरी करते हुए आप लोगों से बात करने का मौका दिया, इसके लिए गवर्नर महोदय और यहाँ आए हुए माननीय परिवार कल्याण मंत्री हमारे MS धर्मा जी को तहे दिल से धन्यवाद। मैंने पुलिस और जज साहब के सामने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन आप सब से बात करना चाहती हूँ, उसके पीछे एक वजह है। आप सब जैसा सोचते हैं मैं अर्धनारी नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ। Yes, मैं मर्द हूँ। सुनना चाहते हो मैं कैसा मर्द हूँ? ओ माँ जी, हाँ? यादगिरी है क्या? क्यों रे, रात को पी हुई कम पड़ गई है क्या, जो सुबह सुबह भी आ गया? ये कमीना शौक लगकर मर गया होता तो अच्छा था। ये मंगलसूत्र फेंक कर सिंदूर पोंछ कर मिल रहे पेंशन से मैं जिंदगी जी लेती। कमीना कहीं का, इसका दोस्त भी कमीना। हे, क्या कर रहा है? दारू का टेस्ट फीका क्यों है? अरे तुम इसे ऐसे क्यों मार रहे हो? इसे जान से मार डालूंगा मैं। स्ट्रीट लाइट सुबह 5 बजे बंद होनी चाहिए, 9 बज गए लेकिन उसे बंद किए बिना सो रहा है। कितनी बिजली बर्बाद हो गई? ड्यूटी नहीं कर रहा है ये, बल्कि गवर्नमेंट को लूट रहा है। तो जाने दे, गवर्नमेंट का पैसा है, तुझे क्या? बिल तू भर रहा है जो तुझे दर्द हो रहा है। बिल मैं भर रहा हूँ, ये भर रहा है, वो भर रहा है, यहाँ हम सब मिलकर भर रहे हैं। तो फिर क्या मारेगा तू? जान से मार दूंगा। जो शख्स जिम्मेदार नहीं उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं। बंद करो। सिस्टर, इसकी पिटाई की है मैंने, फर्स्ट एड करके इसे घर भेज दीजिए। ठीक है। सुनो, अपनी ड्यूटी ध्यान से किया करो, इस देश के लिए यही मेहरबानी होगी। चलो भंगार वाले, भंगार चलो आ जाओ।
अरे क्या कर रहा है यार, ये देना यार दो कटिंग। ये कब से बोल रहे हैं? अरे सुनो, अरे बनमस का लेगा क्या? सुनो भाई, एक चाय लाना। एक चाय। नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दो प्यार करने वाले जोड़ों ने अंतरजातीय विवाह किया है। वो दोनों इस विवाह से बहुत खुश हैं, लेकिन उनके परिवार वाले बिल्कुल खुश नहीं हैं। वो पूरी तरीके से इन दोनों के खिलाफ हैं। उन दोनों को अपने परिवार वालों से जान का खतरा बना हुआ है। पुलिस के सहारे उन दोनों ने शादी कर ली है। आप इस शादी के बारे में क्या सोचते हैं? सुब्रमण्यम की बेटी ने जो किया वो सही है या गलत? अगर आपका आंसर सही है तो वाई लिखिए, और अगर गलत है तो एन टाइप करके स्पेस देकर अपना पूरा नाम लिखकर 535 पर भेज दीजिए। अबे कौन है तू? कट 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 करो, कट करो। अगर चैनल ऑफ एयर हुआ और लाइव टेलीकास्ट बंद हुआ तो इस गन से गोली निकलेगी। बैठ जाओ। न्यूज पढ़ने का तरीका ये है, न्यूज में नॉनसेंस मिक्स करके न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो। ए, यू नो I am number one news reader in TV industry, sir. जान से मार दूंगा। अगर मुँह से एक भी शब्द निकला ना तो यहीं दफन कर दूंगा तुम्हें। जो घटना हुई उसकी वजह से वो फैमिली पहले से ही तकलीफ में है और तुम जले पर नमक डाल रहे हो। न्यूज का कंटेंट क्या है, उसका मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए पता है तुम्हें? जब गांधी जी मरे थे उसकी न्यूज रेडियो में कैसे आई थी? हमारे देश के हर न्यूज रीडर की आवाज 2 मिनट के लिए पूरी तरह से बंद हो गई थी। फीलिंग्स से भाषा मैच होनी चाहिए, उसी के हिसाब से एक्सप्रेशंस होने चाहिए और परिस्थिति के हिसाब से प्रोग्राम बनने चाहिए। चलो इसी न्यूज को सही तरीके से फिर से पढ़कर सुनाओ। फेमस एक्टर सुब्रमण्यम जी की छोटी बेटी फिर से रॉन्ग एक्सप्रेशन। आवाज में दर्द नहीं है, चेहरे पर भाव नहीं है। फिर से पढ़ो इसे। फेमस फिल्म स्टार सुब्रमण्यम जी की छोटी बेटी ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली शॉक में है। आगे की जानकारी हमारे संवाददाता आपको देंगे। ये करेक्ट है, अभी तुमने परफेक्ट बोला। प्रोग्राम के आखिर में SMS पोल रखना जरूरी है क्यों भाई? अगर तुम्हारी बहन ने ऐसा कुछ किया होता तो तुम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बुलाकर ऐसे ही SMS पोल रखते क्या? अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें SMS पोल। मैंने जो किया वो सही है तो Y टाइप करके, गलत है तो N टाइप करके स्पेस देकर अपना नाम और जगह लिखकर 53535 पर SMS कीजिए। ए, इसने जो किया बिल्कुल सही है, हम सब SMS करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सही है। यार नंबर क्या है? हम लोग भी SMS करते हैं। ये! ऑडियंस की फीलिंग पता चली? कहते हैं मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यही सोचकर चैनल में आकर भी तुम्हें मारे बिना छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की ना तो चमड़ी उतार दूंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। डमी गन से धमकी दी तो भी अरेस्ट करेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम नीरजा है, मैं इनकी पत्नी हूँ। चुप हो जाओ बेटा, क्यों रो रहे हो? अरे जल्दी, मैं दूध का डब्बा लाना ही भूल गई सर। भैया हाँ, जरा बच्चे को पकड़िए। हाँ लाओ इधर। ये लीजिए सर, अभी तक मेरे पति ने जितने भी झगड़े किए हैं उन सभी झगड़ों के FIR नंबर्स और कोर्ट डिटेल्स हैं। मेरे पति ने जो भी काम किए वो देश की भलाई के लिए किए हैं सर। मेरे पति ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं मानती हूँ उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेके गलत किया है सर। कोर्ट के बाहर 1 घंटे या 2 घंटे खड़े रहकर जुर्माना भर दो या फिर 1 या 2 दिन जेल में रखकर ऐसे आरोपी को पुलिस वाले छोड़ देते हैं। ये सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है सर। मेरे पति ऐसा कर रहे हैं, शायद इन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो। मैंने डॉक्टर को दिखाया है सर। ये देखिए, ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट है सर। ही इज द मोस्ट इमोशनल पर्सन। डॉक्टर ने कहा इनके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है। वो क्या है ना सर, एक आम आदमी गलती देखकर भी उस गलती को अनदेखा करता है, पर मेरे पति जाके मार देते हैं। देखो इतना सब कुछ जानती हो, तुम्हारे पति को छुड़वाने के लिए देशभक्ति या समाज सेवा की जरूरत नहीं, उसके लिए बेल की जरूरत है, तुम्हें पता नहीं? पता है सर, वो जो गलतियाँ करते हैं वो सब नया है, बाकी ये फॉर्मेलिटीज मेरे लिए पुरानी है सर। आप यहाँ नए आए हुए हैं ना सर, इसीलिए अनजाने में उन्हें सजा दे दी तो वो हम सब लोगों से दूर हो जाएंगे, इसी डर से मैंने आपको सब कुछ बताया। लॉयर आ रहे हैं सर। गलत देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर सोचता हूं कि एक अकेला मैं आखिर कर ही क्या पाऊंगा।
देखिए बंद की हुई मुट्ठी अभी हवा में उठी है और बहुत जल्दी इस मुट्ठी के पीछे हजारों लाखों मुट्ठियां ऊपर उठेंगी, देख लीजिएगा। महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, सीएम हाय हाय, सीएम हाय हाय, भ्रष्टाचार नहीं चलेगी, अब हार नहीं मानेंगे, समझे? वो देखो बस आ गई है, आग लगा दे। ए रुको, ए हटो, उतरो, हटो यहां से, निकलो बाहर, चलो चलो चलो, क्या हुआ? चलो चलो बाहर, चल 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 चल, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो सही ढंग से अपनी लड़ाई लड़िए, इस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाइए। तू कौन है, इस बस का ओनर है या क्लीनर है? हम सब इसके ओनर हैं, ये हम सबकी प्रॉपर्टी है भाई। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो सीएम से जाकर बात करिए ना। बहुत बात हो गई है, अभी बात करने का समय नहीं, चार बस और जलाएंगे तो सीएम को हमारी पावर का पता लग जाएगा, उसे पता लग जाएगी हमारी पावर का। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे कौन है ये जो यहाँ की इतनी होशियारी दिखा रहा है? देखते क्या हो, इस पे पेट्रोल डालो और बस के साथ इसको भी चला दो, पेट्रोल डालो रे, चला दो इसे। भाई मेरी बात सुनो, जो कर रहे हो ठीक नहीं है, ऐसा मत करो। पेट्रोल डालने के बाद भी इसका दिमाग ठीक नहीं हुआ, चल हट रहे यहाँ से। दीदी, 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 क्या हुआ दीदी? सत्या, भाई के ऊपर किसी ने पेट्रोल डाल दिया है। अगर झगड़े में आग आपको लग जाती तो मैं क्या करती? हे भगवान, सोच के डर लग रहा है। चलिए जी, मैं भी आती हूँ। अरे बिजली को भी अभी जाना था, सीरियल कितना इंटरेस्टिंग हो रहा था। बगल वाले घर में बिजली है मम्मी? हाँ बिल्कुल है। हा? तुम्हारे घर की बिजली मैंने काटी है। कौन है रे तू? तुम सब लोग घर से बाहर निकलो। अजी जल्दी बाहर आ जाइए, घर को मुझे जलाना है। यहाँ कोई पागल आया है और वो हमारे घर जलाने की बात कर रहा है। घर जलाने की हिम्मत किस में है? कौन है तू, कौन है बोला? मेरे मना करने के बावजूद तुमने बस को जला दिया, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान किया, इसीलिए अब मैं तुम्हारे घर को जलाने आया हूँ। ओह तो तू है, मुझे तो दूसरी पार्टी वालों ने उस बस को जलाने के लिए पैसा दिया था, मेरा घर जलाने चले, तुम्हें इस देश ने दिया क्या आखे? जन्म दिया है, जिम्मेदारी दी है। इलेक्शन के वक्त मैंने 5 बस चलाए थे, मेरे परिवार को बचा लीजिए सर, प्लीज बचा लीजिए। बोलिए सर, जिसने बस को जलाया उसके घर को जलाने वाला मैं ही हूँ। कल तक वो लोग कौन हैं ये कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी एड्रेस के साथ साथ उनके सारी डिटेल्स पुलिस स्टेशन में है सर। वो लोग पॉलिटिकल पार्टियों से पैसा खाने वाले देशद्रोही लोग हैं, जब आप उन्हें सजा देंगे तभी अपने देश में सुधार आएगा। जो जिम्मेदार नहीं है उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है सर। तुम्हारी आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग देख रहा हूँ, आज हमारे देश को ऐसी ही आग की जरूरत है। खुद के घर की रक्षा करने के लिए हर एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने वालों को तुरंत नॉन बेलेबल वारंट के साथ अरेस्ट करने का आदेश हाई कोर्ट के मुख्य जज राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया है। देशद्रोहियों की रक्षा करने का मतलब खुद देशद्रोही होना है, ऐसा उनका कहना है। गांधी जी, अरे सुनो जरा कॉफी लाना। आज ये इतने खुश लग रहे हैं, जरूर कोई अच्छी बात होगी।
कैसा है मेरा बच्चा? हाँ? लो 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 लो। वो बात नहीं है चाची, सुबह सुबह उठकर इतने सारे घरों में काम करके आती हैं। अब यहाँ भी काम करेंगी तो थक जाएंगी आप। ये क्या कह रही हो बेटी? तुम्हारे चाचा का ऑपरेशन कराने के लिए तुम्हारा पति एमएलए के पीछे, एमपी के पीछे यहाँ वहाँ दिन भर घूमता रहता है, क्या वो उसे तकलीफ समझता है? ये भी वैसा ही है। ठीक है, वो दो मुझे। एक बात बताओ, वो सुबह से दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है वो? सीएम से मिलने के लिए गए हैं वो। अगर उसकी बातें सीएम सुनेगा तो ठीक होगा, हम लोगों की जिंदगी तो सुधर जाएगी। एक बात बता बेटी, तुम्हारा पति सुबह सुबह जनता की सेवा के लिए घर में तुम्हें अकेला छोड़कर हर रोज यूं ही घर के बाहर चला जाता है। मैंने कैसे आदमी से शादी की है ऐसा तुम्हें लगा नहीं क्या? ये ऐसा है, ये तुम्हें शादी से पहले पता था या शादी के बाद पता चला? आप भी ना चाची, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, मैं उनके बारे में पहले से जानती हूँ। हमारी शादी कैसे हुई पता है आपको? कैसे हुई बेटी? माँ, हम लोग तो मंदिर जा रहे थे यहाँ। तू कुछ मत बोल, लड़की को देख कितनी सुंदर है ना। कुछ बातें करना चाहते हो? अरे ये तो लड़की जैसा शर्मा रहा है। अरे कुछ तो बात करना। अपने देश भारत की प्रतिज्ञा तुम्हें याद है? भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन की तरह हैं। हमें अपना देश प्राणों से प्यारा है। हमारे भारत देश की समृद्धि और विविध संस्कृति पर हम सब भारतवासियों को गर्व है। हम देश के एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते रहेंगे। हम अपने देश और सारे देशवासियों के प्रति वफादार बनने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। सिर्फ यही गुण काफी है तुमसे शादी करने के लिए। बहुत ही अजीब तरीके से हुई, सही कहा ना? ए, तू जाकर बच्चे के कपड़े धो, जा। बेटी, मैं ये सब पूछ रही हूँ तो बुरा मत मानना, मैं यहाँ आसपास के 4-5 घरों में काम करती हूँ। सभी जगह पति पत्नी प्यार से बात करते हैं, लेकिन मैंने तुम दोनों को कभी नहीं देखा। मैं हमेशा ये बात तुमसे पूछना चाहती थी, ये बच्चा कैसे हुआ? मैं समझ गई चाची, इसके पैदा होने की वजह भी देशभक्ति ही है। हाँ? तुम इन्हें क्यों देखती रहती हो? इन महापुरुषों को बहुत पसंद करती हूँ, इनमें से कोई अगर दोबारा जन्म लेता तो कितना अच्छा होता ना, मेरा बच्चा उनके जैसा ही होगा, इस बारे में मैं हमेशा सोचती रहती हूँ। लेकिन आप होगी कभी मुझे प्यार से देखते भी नहीं, मुझे छूते भी नहीं, तो हमारा बच्चा कहाँ से पैदा होगा? तुम्हें यकीन है ये लोग जन्म लेंगे? मुझे तो ऐसा ही लगता है, ये लोग जन्म लेंगे। ऐसे जन्म हुआ इस गांधी जी का। ये भी गांधी जी के जैसा महान आदमी बनेगा। पता नहीं तुम्हारा पति कब आएगा, उसके आने तक सत्या को अपने पास ही रख लो। रहने दीजिए चाची, मुझे तो इसकी आदत है, आप जाइए, चाचा जी इंतजार करते होंगे। ठीक है, संभल कर रहना। हाँ हाँ ठीक है। सर, जिला यूथ का अध्यक्ष आया है, वेट कर रहा है। अरे कल ओपनिंग के बाद मिलूंगा, बोल दो उसे। सर, आसपास के फैक्ट्री ओनर्स आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ पावर प्रॉब्लम की बात करनी है। हर किसी का प्रॉब्लम पावर का ही है, मुझे नहीं है क्या पावर का प्रॉब्लम? जानते हो ना अपोजिशन पार्टी समय क्या रणनीति बना रही है, वो मेरी कुर्सी हथियाना चाहते हैं। हाँ भेज देता हूँ सर, मगर कोई शिव कुमार आया है, अपने एमएलए को कोई एक्स पार्टी वाला खरीद रहा है, उसी के बारे में बात करना चाहता है। जल्दी बुलाओ उसे। नमस्ते सर। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके पास हमारे एमएलए को खरीदने का दम है? सॉरी सर, मैंने झूठ बोला है, सच कहकर मैं 4 सालों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं मिल पाया, और झूठ का सहारा लिया तो 30 सेकंड में आपके सामने हूँ। होश संभालने के बाद 5 सरकारें बदल चुकी हैं सर, इस बीच 5 CM, 300 मिनिस्टर, हजारों MLA और भी बहुत लोग बदले हैं,
इनके टाइम में महंगाई बढ़ी है, करप्शन बढ़ा है, साथ ही साथ इनकी दौलत बढ़ी है, स्विस बैंक में अकाउंट ओपन हुए हैं, मगर जनता की हालत नहीं बदली सर। कभी कोई नेता आएगा जो हालात को बदलेगा? इतने सालों से जनता के साथ साथ मैंने भी इंतजार किया, मगर कोई नहीं आया। ये सोचकर कि भविष्य में कोई बदलाव नहीं आएगा और सबकी जरूरतों को ध्यान में रखकर मैंने पंच सूत्र का कॉन्सेप्ट रेडी किया है सर। और क्या है वो? नंबर वन, सिटीजन्स की 100% वोटिंग। इम्पॉसिबल। पॉसिबल है सर, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जिसके लिए हमें सजा नहीं मिलती वो गलती है ही नहीं, पनिशमेंट ना मिलने की वजह से लोग ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो पार्किंग में पार्क किया तो 50 रुपए फाइन, सिग्नल जंप करने पर 500 रुपए का चालान, पनिशमेंट के डर से रूल्स फॉलो हो रहे हैं ना। कुछ दिन पहले आधार कार्ड जरूरी होगा किसी को नहीं पता था, और गैस कनेक्शन के लिए आधार कार्ड कंपलसरी करने पर आधार कार्ड के लिए लोग क्यू में लगे ना सर। ऐसे ही वोट ना डालने वाले का अगर राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर कोई वोट डालेगा। सरकार को चुनकर लाने वाले लोग बढ़ेंगे तो सवाल करने वाले लोग भी बढ़ेंगे, जब उंगलियां उठेंगी तो डेवलपमेंट अपने आप होगा सर। जनता को सिर्फ 4 चीजें चाहिए, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सामान, पढ़ने के लिए स्कूल, बीमार होने पर इलाज के लिए हॉस्पिटल, और सम्मान से जीने के लिए न्याय। इसमें सबसे पहले जरूरी सामान जनता को मिले उसका उपाय। सरकार के पास यहाँ वहाँ लाखों एकड़ जमीनें खाली पड़ी हैं, उन्हें किसानों को खेती करने के लिए दे दिया जाए। 10 गांव का ग्रुप बनाकर और उन्हें जमीनें देकर वहाँ पर फसल और सब्जियां उगाई जाएं, और सरकार राशन कार्ड द्वारा ये सारी चीजें जनता को मुहैया करवाए तो आम आदमी की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अब शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारी जनता यही धोखा खाती है सर। हमारे देश में बड़े बड़े अमीर लोगों ने इसका बिजनेस बना रखा है। LKG में एडमिशन के लिए लाखों रुपए डोनेशन मांगने वाले स्कूलों और एक छोटे से मेडिकल टेस्ट के लिए हजारों रुपए वसूलने वाले कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को बंद करना होगा सर। सरकार को कम खर्च में ये सारी सुविधाएं जनता को देनी होंगी सर। जो लाभ सरकार को मिलना चाहिए अगर वो प्राइवेट संस्थानों को जाता है तो ये देश का दुर्भाग्य है। सरकार को फैसला लेना चाहिए कि इन कामों का अधिकार वो प्राइवेट संस्थानों को दे ही मत। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो जनता को पूछने का हक होना चाहिए, और उसके लिए जैसे संसद और विधानसभा में लाइव दिखाया जाता है वैसे ही हर पुलिस स्टेशन और सरकारी ऑफिस में CCTV कैमरे लगाने चाहिए। उन फुटेज को देखने के बाद सच्चाई का पता लगाने में आसानी होगी। ऐसी व्यवस्था से ना तो जनता का समय बर्बाद होगा और ना आपको परेशानी। यही है सर मेरे पंच सूत्र। इन्हें अमल में लाने के लिए हजारों करोड़ का बजट या बड़े बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। हमें अगर जरूरत है तो बस एक अच्छे सोच की। हमारे देश में हर कोई जिम्मेदारी से रहेगा और आनंद से जिएगा तो सारी दुनिया में मेरा भारत महान कहलाएगा सर। हाँ ठीक है, 10 मिनट बाहर बैठो, मैं तुमसे डिटेल में बात करूंगा। ओके सर। सर मार दो उसे। क्यों मारू सर, उसने हमारे साथ क्या किया? अरे पागल कहीं के, मेरे साथ उसने 10 मिनट तक बातें की। उस 10 मिनट में जनता 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 को ये मिलेगा, जनता को वो मिलेगा, बस यही बकवास करता रहा वो। ऐसे करके कोई भी आम आदमी हमारे खिलाफ जाकर जनता को भड़का सकता है। इस एजेंडे को लेकर कल को वो आदमी पब्लिक के सामने जाकर एक बड़ा नेता बन जाएगा। सीएम से मुलाकात हुई जी? हाँ हुई। क्या बोला उन्होंने? मैं उनके सामने बोलता रहा लेकिन मेरी बातों से जनता को सच में लाभ होगा ऐसी किसी खुशी की चमक मुझे उनकी आंखों में दिखाई नहीं दी, इसीलिए मैं लौट आया। चलो आ जाओ, चलो चलो, उठा उठा, चलो जल्दी करो, लौट करो। अरे सीमेंट थोड़ा और मिलाओ, रेत ज्यादा मिलाओ यार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों मिस्त्री, काम कैसा चल रहा है? आप इस एरिया के ऑफिसर हो क्या? नहीं, मैं इस सड़क पर चलने वाला हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। वहाँ से पत्थर कम कर रहे, सीमेंट के बदले रेत डाल दे, चलेगा। अब और सीमेंट नहीं मिलने वाला है, रोड का काम आज ही पूरा होना चाहिए। सड़क ऐसे बनेगी तो एक हफ्ते में खराब हो जाएगी। खराब होता है तो होने दे, फिर से बना लेंगे, परमानेंट थोड़े होता है कुछ सरकार में। बात करता है आकर। सर इस CC रोड में सीमेंट से ज्यादा तो रेत मिला हुआ है सर। Then stop the work immediately and take the charge. देखिए सर, आप हमारे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में नहीं जानते। कौन है तेरा कॉन्ट्रैक्टर? कौन है बेस कॉन्ट्रैक्टर पर कंप्लेन करने वाला? मैं हूँ।
तुझे पता है क्या तेरे सामने कौन खड़ा है? मुझे टच किया तो सिटी का कमिश्नर आएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आएगा, लोकल एमएलए आएगा, जरूरत पड़ी तो मिनिस्टर भी आएगा। ये है मेरा रेंज। मैं समझ सकता हूँ भाई, तुम बिना सबको इन्वॉल्व किए ऐसा काम कर ही नहीं सकते। लगता है इसे हमारे बारे में नहीं पता है। एए, होम मिनिस्टर को जरा फोन तो लगाओ। ये लो भाई। हेलो सर। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, साउंड पोल्यूशन क्यों फैला रहा है? तू मुझे दिखाई दे रहा है, ये है नई टेक्नोलॉजी। तूने उस दिन जिसे मेरे पास भेजा था उसका क्या फिगर था, क्या टेक्नोलॉजी थी? वाह वाह, ये नई टेक्नोलॉजी तो वाकई बहुत ही कमाल की है। हेलो सर, हम जो रोड बना रहे हैं वहाँ पर एक आदमी आकर कंप्लेंट किया है और एक ऑफिसर ने हमारा काम रुकवा दिया है। तेरा काम रोका मतलब मेरा काम रोक दिया, मेरा काम रोका मतलब सीएम का काम रोक दिया रे। इसे कहते हैं अपडेटेड टेक्नोलॉजी। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हो या छोटा हो, सीएम को हिस्सा जरूर जाएगा और मुझे भी हिस्सा आना चाहिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें फिनिश करना ही होगा। यही है हमारी रिलेशन टेक्नोलॉजी। कौन है जिसने तेरी कंप्लेंट की है रे? कौन है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी? इसी ने किया है सर। तू दिखने में तो जवान टेक्नोलॉजी दिख रहा है रे, हमारी पावर टेक्नोलॉजी से मत उलझ वरना बुरी तरह से पीस दिया जाएगा। सुनो रे कॉन्ट्रैक्टर। सर। उसे हमारी रिलेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो समझ ही आ गया होगा, तू जरा फिगर टेक्नोलॉजी के बारे में सोच और कुछ भेज दे रे। ठीक है सर, देख लिया तूने हमारा रेंज। क्या हुआ, कौन है यहाँ जो सड़क के काम को बीच में रोक रहा है? यही है सर वो। यू आर अंडर अरेस्ट। पर मैंने क्या किया सर? तुमने सरकारी काम को रोका है और तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। ऐसा है क्या? जरा उस तरफ देखेंगे। और हाँ, उस तरफ भी। देश के जितने नंबर वन चैनल हैं आज वो यहाँ की कवरेज कर रहे हैं। मैंने सबको बुलाया है और यहाँ की लाइव टेलीकास्ट हो रही है। मैं जानता था कि तुम लोग अपने पावर का डर और पैसों का लालच देकर चैनल को खरीद सकते हो, तो मेरे पास भी सबूत होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने भी ये कैमरा लगाया है। हाईटेक तुम ही नहीं हो कॉन्ट्रैक्टर, मैं भी हूँ। जो भी हुआ वो गलत हुआ। अगर एक छोटा सा रोड बनाने में इतनी सारी गलतियां हो रही हैं, तो फिर ये देश कहां जाएगा, इसका विकास कहां से होगा? अगर एक देश का नेता गुंडों के साथ हाथ मिलाता है तो ये जनता का अपमान है, उसका निरादर है। इस घटना पर इंक्वायरी कमीशन बिठाने का ये कोर्ट आदेश देती है। इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? गलत करने वाले नेताओं को क्या करना चाहिए? गलती हमारे नेताओं की नहीं है, हमारी है, हम सब की है। हमारी गली की सड़क बन रही है तो वो सड़क कैसी बन रही है, रेत कितनी डाली जा रही है, सीमेंट कितना मिला रहे हैं, वहाँ के चार लोगों ने कभी किसी से पूछा क्या? लेकिन अगर अपना घर बन रहा हो तो धूप हो या बारिश हो आप खड़े रहते हैं, मिस्त्री से, कॉन्ट्रैक्टर से, सीमेंट कौन सी है, ईंट कहाँ से लाए, सीमेंट कंक्रीट बराबर से मिलाई जा रही है कि नहीं, ऐसे सवाल करके उसे परेशान करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि घर अपना बन रहा है। जैसे आप लोग अपने घर को अपना समझते हैं, वैसे ही इस रोड को भी अपना समझिए। ये आपका हक है। सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ही इस देश का भला होगा, और जो जिम्मेदार नहीं उसे इस देश में रहने का हक नहीं। सर। बेवकूफ नालायको, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। घर में भी मीडिया, पार्टी ऑफिस में भी मीडिया, योग आश्रम को भी मीडिया वालों ने नहीं छोड़ा। म्युनिसिपैलिटी जैसे पागल कुत्ते को दौड़ाती है, मीडिया मुझे दौड़ा रही है। क्या जवाब दूं मैं जनता को? जेड कैटेगरी की सुरक्षा छोड़कर देखो मैं यहाँ पर सड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना, वो एक दिन नायक बन जाएगा, लेकिन तूने उसे जिंदा छोड़ दिया। आज देख मुझे पद छोड़ना पड़ रहा है। और तू क्या है बेवकूफ, तुझे टेक्नोलॉजी आती इसलिए होम मिनिस्टर का पद दिया। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बोलकर आज पार्टी को तू बीच रास्ते पर ले आया है। देख ली ना तूने अपनी टेक्नोलॉजी, टीवी में, फेसबुक में, यूट्यूब में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, सभी सोशल नेटवर्क में लाइक करो, शेयर करो, पोस्ट करो। ये उसके हीरोइज्म की वजह से नहीं है, ये सब हमारी गलती की वजह से है। कुछ नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे ना? नहीं, तेरी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए मुझे। जाओ मीडिया के पास जाओ, जनता से बोलो जो कुछ भी हुआ है उसमें सीएम का और पार्टी का कोई संबंध नहीं है। मीडिया से कहो कि मेरा पर्सनल मैटर था और अपना इस्तीफा दो। सर अब कुछ मत बोल, जो मैंने कहा वही कर। हमारे जैसे राजनेता के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं, टेक्निक जरूरी है। जा यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरे पिता की कुर्सी चली गई। तुझे क्या बेटा, तुझे पता है मेरी कुर्सी इस टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं गई है, उस देशभक्ति वाली टेक्नोलॉजी की वजह से गई है। इसे छोड़ दे। Hey!
नीरजा, नीरजा, ये क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मेरे गले में ये मंगलसूत्र बंधी रहे, तो आपको इस तरह बंधा रहना ही सही है। नीरजा, लेकिन नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे कुछ भी मत कहिए। सोसाइटी, संघ, समाज और उनकी सेवा, यही सब कहना चाहते हैं ना आप? मुझे इन सब की जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा घर ही जरूरी है। कल आपको रोड पे मार रहे थे तो कोई आया बचाने के लिए? आप इतनी मार खा के बिस्तर पे पड़े हुए हैं तो कोई आया आपका हालचाल पूछने के लिए यहाँ? ऐसे लोगों के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, उनके लिए आप मार खा रहे हैं। आपको देशभक्त बन के रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे पति बनकर मेरे बेटे का पिता बनकर रहिए, मैं यही चाहती हूँ। अब आज से मैं आपकी देखभाल करूँगी। आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है ना? आज से इस गली के बाहर मैं ही पाँव रखूँगी, अपने इस घर को मैं ही चलाऊंगी। आज से मैंने पेपर वाले को मना कर दिया है, केबल कनेक्शन भी कटवा दिया मैंने। बाहर की बात आपको पता नहीं चलेगी तो आपको दुख भी नहीं होगा। ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही टेबल पर है। नहा धोकर अच्छे से खाना खाकर घर में बैठिए। बस आप मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे आपको जिंदा बचाए रखने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा मुझे। नीरजा, कभी तुमने ही भगत सिंह और आजाद जैसे क्रांतिकारी के पैदा होने की बात की थी, और आज? हाँ, ये महापुरुष फिर से जन्म लेंगे, लेकिन मेरे घर में नहीं। नहीं चाहिए मुझे कोई ऐसा महापुरुष। नीरजा, 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 रुक जाओ,
बेटी बेटी सुनो बेटी, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? घर बंद कर दिया, ऑटो में बैठ रही हो। पति घर में नहीं है? अंदर है। हाँ अंदर है, फिर भी ताला लगा दिया। आप क्यों आई हैं चाची? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो बेटी? वो आज किसी ऑफिसर से बात करने वाला था और तेरे चाचा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने वाला था। वो नहीं आएंगे। आप लोग अपनी मुसीबत लेकर मेरे घर मत आया करिए। ये कोई समाज सेवी का घर है, ऐसा बोर्ड टंगा है क्या? अगर आपको चीनी चाहिए तो एक कटोरी लेकर आइए, अगर आपको चाय चाहिए तो आप ग्लास लेकर आइए। इसके अलावा मदद मांग कर हमें परेशान मत कीजिए। आप अपने पति के लिए जितनी परेशान हो रही हैं, उसी तरह मैं भी अपने पति के लिए परेशान हो रही हूँ। मैं औरत हूँ, एक माँ भी हूँ, आप समझ सकती हैं। हरिश्चंद्र जी राव को सर, वो लड़की आई है। अच्छा तुम आ गए, आओ आओ। सर आप पैसे देने वाले थे ना? बिल्कुल दूंगा। देखो ये सब खत्म होने में अभी लगभग आधा घंटा लगेगा, उसके बाद तुम्हारा पैसा लिफाफे में रख करके तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? चलो एमएलए की सीट देनी होगी, एमएलए की सीट देनी होगी हरिश्चंद्र राव जी को, एमएलए की सीट देनी होगी हरिश्चंद्र राव जी को, एमएलए की सीट देनी होगी हरिश्चंद्र राव जी को, एमएलए की सीट देनी होगी हरिश्चंद्र राव जी को, एमएलए की सीट देनी होगी हरिश्चंद्र राव जी को, एमएलए की सीट देनी होगी एमएलए की सीट देनी होगी हरिश्चंद्र राव जी को, एमएलए की सीट देनी होगी हरिश्चंद्र राव जी को। मेरे साथ अन्याय हुआ है भैया, बाहर आइए भैया, मुझसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है भैया, भैया बाहर आओ भैया, 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 मुझे धोखा दिया गया है भैया, सत्या, भैया, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है भैया, सत्या, दीदी ने कहा था, इसलिए अपने पिता को बचाने के लिए मैं उस एमएलए के पास गई थी भैया। मुझे अपने जाति वालों के वोट से एमएलए बनना है। कल से सारे राज्य में धरना प्रदर्शन होगा, उस धरना में तुम्हें शरीर पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की धमकी देनी होगी और उस काम के लिए मैं तुम्हें 2,00,000 रुपए दूंगा। नहीं नहीं, अगर गलती से आग लगी तो मैं जल सकती हूँ, मेरी जान भी जा सकती है। देखो सिस्टर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमें सिर्फ लोगों को डराना है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, मैं अब चलती हूँ। तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम्हारा दिल बदल गया तो तुम मेरे पास आ जाना, ये मेरा विजिटिंग कार्ड, इस नंबर पे कॉल कर लेना। इसे हॉस्पिटल ले चलो। हाँ बापू, हाँ सारा इंतजाम हो गया, कल 2 और लोग आत्महत्या के लिए रेडी हो गए हैं बापू, आपकी एमएलए की सीट कहीं नहीं जाने वाली अब।
अभी तेरे क्राइम न्यूज के लिए टाइम है। ए, लेकर आओ उसे। तेरी तो छोड़ दीजिए उन्हें। कुछ मत करिए उन्हें। छोड़ दीजिए। मेरा नाम MS धर्मा है। मैं पैसे के बिना काम और मुहूर्त के बिना मर्डर नहीं करता। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी देशभक्ति CM को, होम मिनिस्टर को, एक्स पार्टी लीडर को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए ये केस मुझे सौंपा गया है। अब तेरा फैसला मैं करूंगा। साहब, M का टाइम शुरू हो चुका है। उन्हें छोड़ दो, छोड़ दो अरे। लगता है इस घर में एक और देशभक्त है। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरे बच्चों को कुछ मत करो। मेरे बच्चों को कुछ मत करो। मेरे बच्चों को कुछ मत करो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। चल, तुझे एक चांस देता हूँ। हम दोनों मिलके गेम खेलते हैं। यहाँ मैं तेरे बेटे को झूला देता रहूंगा और वहाँ मेरे लोग तेरे पति की पिटाई करते रहेंगे। तेरे पति को मारते समय तूने मेरे आदमियों को छू लिया तो मेरा आदमी आउट और तेरा पति से। और वापस आकर तूने इस बच्चे को छू लिया तो तेरा बच्चा से। अगर एक एक करके तूने सबको छू लिया तो सारे लोग एक एक करके गेम में से आउट और तेरी फैमिली सेफ। क्या बोलती है, गेम शुरू करें? नहीं नहीं नहीं, मत खेलो ऐसा। नहीं नहीं नहीं, खेलूंगी। बच्चे को कुछ मत करें। तो खेल के समाचार शुरू करें। गेम स्टार्ट नाउ। बचा जा। छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़िए। साहब, M का समय निकलने वाला है। लड़की जीत गई। तो जीतने वाले को गिफ्ट देना चाहिए ना? तो अभी देते हैं। Ah!
जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ पहुँच जाएगा, उनके खिलाफ खड़ा होगा। ए, इसके हाथ खोलो। इसका क्या करना है बाद में देखते हैं। ए, एक बार जो मैंने मुहूर्त देख के डील कर दी तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। यह है ब्रेकिंग न्यूज। समझा तू? अब मुझे मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। नीरजा, 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 गांधी जी क्या हो गया? शिवा, शिवा, नीरजा, बेटी नीरजा, मेरा बच्चा, बच्चा, अरे हे भगवान, सब क्या हो गया? नीरजा, मेरी बेटी, शिवा, शिवा, अब तुम खुश हो गए ना? ब्रेकिंग न्यूज में सभी टीवी चैनल क्या दिखा रहे तुम्हें पता है? तुम्हारी पत्नी का किसी और के साथ गलत संबंध है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, किसी और का है। ये सब जानने के बाद तुमने अपने पत्नी और बच्चे को मार डाला शिवा, क्या ये सच है? ये झूठ है, मैं जानती हूँ, तुम जानते हो, पुलिस वाले जानते हैं, यहाँ रहने वाले सब जानते हैं, फिर भी तुमने ही मारा इन्हें। तुम्हारी देशभक्ति की वजह से आज इनकी मौत हुई है। तुम्हारी देशभक्ति कभी ना कभी हमें भी ऐसी हालत में ला देगा, इसलिए तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था। मैं अब तक यही सोच रही थी कि मैंने एक जिद्दी लड़के को जन्म दिया है, मगर देशभक्ति में पागल एक लड़के को जन्म दी हो ये आज पता चला मुझे। अब इन्हें छूने का अधिकार तुम्हें नहीं है। इन लोगों को मैं ले जाती हूँ, इन लोगों का अंतिम संस्कार मैं ही करूंगी। सर, आप इसके भोले चेहरे पे मत जाइए। इस भोले चेहरे के पीछे एक दरिंदा इंसान छुपा हुआ है सर। जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो कई बातें इसकी सामने आई सर। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये बात इसकी बीवी ने खुद पुलिस स्टेशन में आके हमें बताई। और बस इतना ही नहीं, गवर्नमेंट के डॉक्टर ने भी इसका सर्टिफिकेट हमें दिया है सर। मेरे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के अनुसार इन हत्याओं के पीछे इसी का हाथ है। ये शिव कुमार अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता था, यहाँ से वहाँ बस घूमता रहता था। एक औरत कितना बर्दाश्त करेगी, पति से दूर कब तक रह पाएगी सर? इसलिए इसकी बीवी का भी इस शिव कुमार की गैर हाजिरी में आए दिन दूसरे मर्द से गलत संबंध बनने लग गए थे सर। इसकी बीवी से नाजायज संबंध रखने वाला मेरा पति था, इसकी वजह से इसकी बीवी बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चले गए सर। पुलिस के डर से मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है सर। इसे सजा दिए बिना छोड़िएगा मत सर, छोड़िएगा मत। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर यह साबित हुआ है कि शिव कुमार ने ही अपनी बीवी और बच्चे की बेरहमी से हत्या की है। इसे आईपीसी 302 सेक्शन के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। सर, देता हूं सर। ए सुन, तेरे लिए फोन है। ए, मैं सीएम बोल रहा हूं। तेरे दिल में देशभक्ति जागी तो तू मेरे से ही सवाल करने लगा। मेरे हाथों में पावर है, अब समझा? जनता को बदलने के लिए देशभक्ति नहीं, पावर चाहिए। पावर, पावर से इन पुलिस वालों को, जज को, मीडिया को, सबूतों को, सबको बदल दिया मैंने, और इस पावर को इन सभी लोगों ने मेरे हाथों में सौंपा है। एक बात ध्यान से सुन ले,
इतिहास में देशभक्ति करने वाला अमर हो जाता है और देश को बदनाम करने वाला नेता बन जाता है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी जेल जर्नी। निरूपणम इदे कदा निदर्शनम अखंड शक्ति दर्शनम कदम कदम भयावहम पदम पदम दावानलम समस्त शत्रु भंजनम अखंड शक्ति दर्शनम स्थिति लया समन्वितम अहम वशम अहर्निशम लोक शोक नाशनम अखंड शक्ति दर्शनम सकुंकुमा विलेपनम अमोघ मे अलंकृतम देह मे रदे बलम अखंड शक्ति दर्शनम दुर्गमम दुर्जयम जयम जयम अर्थनारी अर्थनारी बताइए मेरी गलती क्या है? जनता की भलाई करने के लिए नेताओं से सवाल करना, उनका सामना करना गलत है? गलती तो इन लोगों ने किया है। मैंने तो अपने देश से प्रेम किया है और इसीलिए मैंने सारे देशद्रोहियों को अपने हाथों से मार दिया। इसके सिवा एक माँ और मासूम बच्चे को मारने वाला ये परिवार कल्याण मंत्रालय में मंत्री पद पर है, तो ये हम सब के लिए दुर्भाग्य है। अगर एक पुलिस ऑफिसर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो एक कलेक्टर भी नहीं करेगा। अगर एक लॉयर में सच्चाई नहीं रहेगी तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी सच्चा नहीं होगा। और इस देश में फैले सारे करप्शन की सिर्फ एक ही वजह है, ऐसे गद्दार राजनेताओं का करप्ट होना। पेपर खरीद लिए जाते हैं, चैनल खरीद लिए जाते हैं, क्या सच है और क्या झूठ इसका पता देश की जनता को चलता ही नहीं है। भारत माता अपनी भलाई के लिए 5 साल में एक बार सबको मौका देती है, वो क्या है पता है? इलेक्शंस। लेकिन वो मौका भी व्यापार बन गया है, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार। और इसकी वजह कोई और नहीं, हम हैं, हम सभी हैं। हम अपनी जिंदगी में खुशी से रहने के लिए बहुत सारे दिन सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे, मैरिज डे, मदर्स डे, फादर्स डे, लवर्स डे, फ्रेंडशिप डे, एड्स डे, यहाँ तक कि लोग अपने डॉगीज का भी बर्थडे मनाते हैं। लेकिन क्या इस देश की सेवा के लिए किसी के पास कोई एक दिन है क्या? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? पंद्रह अगस्त, 2 अक्टूबर रिपब्लिक डे के दिन भी सिर्फ छुट्टी मनाने के दिन रह गए हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल साइट्स पर मैसेज भेजकर उस दिन की खुशियों को सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं। नहीं, आगे से ऐसा मत करो। देश की सेवा के लिए कम से कम एक दिन निकालो, जिसे क्वेश्चनिंग डे का नाम दो। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, जब हम मीडिया से, नेताओं से, सिस्टम से सवाल पूछेंगे, तो ये देश मजबूत होगा, हम सब मजबूत होंगे।
अरे कब तक बेचते रहोगे धर्म के लिए, पद के लिए, पॉलिसी के लिए, साड़ी के लिए, नोट के लिए, बियर और बिरयानी के लिए अपने कीमती वोट को? ये धंधा बंद करो। इस बार किसी को भी वोट देने से पहले इस देश के झंडे को जरूर याद कर लेना, अपने बच्चों के भविष्य, इस देश के भविष्य को याद कर लेना, तभी तुम्हारा वोट एक सही पार्टी को जाएगा और सच्चे और ईमानदार नेता आएंगे। हमारी जिंदगियां बदलेंगी और ये देश तेजी से तरक्की करेगा। सारे संसार में मेरा भारत महान कहलाएगा। एक बात और सुन लो, वोट तुम्हारा हक है। अगर इस वोट को जिम्मेदारी से नहीं डाला तो भारत देश में ही नहीं, इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं। जय हिंद। शिव कुमार ने इस देश की सेवा अपनी जिम्मेदारी से की, लेकिन इसने कानून को हाथ में लिया। क्योंकि कानून को हाथ में लेना गुनाह है, इसलिए इसे दी जाने वाली फांसी की सजा बरकरार रखी जाती है। है कैसी फांसी ये भारत माँ का, भारती का।